हेलो दोस्तों, साइंस फैक्टर्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टाइगर्स यानी बाघों के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलते हैं। वैसे तो टाइगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जानवर है, लेकिन दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया में जितने बाघ जंगलों में नहीं रहते उससे ज़्यादा बाघों को लोगों ने पाल रखा है। अगर पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो सन 1800 से लेकर 2009 तक बाघों ने 373,000 इंसानों की जान ली है। जिस तरीके से शेर जो है रहना पसंद करते हैं और अपने इलाकों में किसी और को घुसने नहीं देते, उसी तरीके से बाघ भी होते हैं। बाघ भी एकदम एकांत जगह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने इलाके में किसी और को जल्दी से घुसने नहीं देते। ये बात जानकर आप सभी को बहुत हैरानी होगी, एक बिल्ली का डीएनए बाघ के डीएनए से 95.6% तक मैच करता है। क्या आप सभी जानते हैं भारत के साथ साथ बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ कोरिया, इन सभी देशों का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगर खाने की बात की जाए तो एक बाघ एक रात में तकरीबन 27 किलो तक मीट को अकेला खा जाता है। जब बाघ दहाड़ता है तो एक बार में वो 18 हर्ट्ज तक की साउंड फ्रिक्वेंसी को पैदा करता है और इसकी आवाज़ को आप आसानी से 3 किलोमीटर दूर खड़े भी सुन सकते हैं। अगर एक एवरेज बाघ की बात की जाए तो उसके दिमाग का वजन 300 ग्राम होता है, जो कि एक सभी मांसाहारी जानवरों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दिमाग होता है। आप सभी ने बाघों के शरीर पर काले धब्बे के निशान तो जरूर देखे होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप सभी ये बात जानते हैं ये काले धब्बे एकदम यूनिक होते हैं, सेम वैसे ही जिस तरीके से हमारा फिंगरप्रिंट होता है। 29 जुलाई सन 2010 से वर्ल्ड टाइगर डे हर साल बनाया जाता है। क्या आप सभी जानते हैं टाइगरों के पैरों में इतनी बेशुमार ताकत होती है कि ये मरने के बाद भी कुछ समय तक अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। क्या आप सभी ये बात जानते हैं नर बाघ और मादा शेर के बच्चों को टिगन्स कहते हैं और नर शेर और मादा बाघ के बच्चों को लिगर्स कहते हैं। मादा बाघ का गर्भधारण 3.5 महीनों का होता है और एक बार में यह मादा 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। बाघ को खरीदना व बेचना दोनों ही कानूनी जुर्म हैं। अगर आप बाघ का एक मूंछ का बाल भी खरीद लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। एक सामान्य बाघ का वजन 250 से लेके 300 किलो तक होता है। बाघों की जान की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया और इसके बाद बाघों की आबादी में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई। बाघ तेज और एक अच्छा शिकारी तो होता ही है, लेकिन साथ में ये एक अच्छा तैराक भी होता है। और भी नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।